फाउंडेशन की ड्राइंग को हम कैसे ड्रा करते हैं। हमारे फाउंडेशन क्या है, मैंने पहले सिंपल था कि वो ट्रांसमिट करती है अपर लोड टू लोअर पोर्शन के अंदर, लोड को ट्रांसफर करती है नीचे वाला जो स्टेटा होता है। जितनी भी हमारी ड्राइंग बनाई जाती है, ठीक है, वो स्केल के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। स्केल क्या होती है, छोटी चीज़ को बड़ा बनाना, बड़ी को छोटा पेपर के ऊपर उसको ड्रा करना। ये स्केल के बारे में आपने प्रीवियस स्टडी कर रखी होगी। तो अब आपको हम बताते हैं, ये हमारे पास सप्लेंट फाउंडेशन है, थंब रूल है, थंब रूल के अकॉर्डिंग सप्लेंट फाउंडेशन को ड्रा करना। दिस इज अवर मॉडल ऑफ द सप्लेंट फाउंडेशन। ये कंक्रीट है, नीचे पहले एक्सकेवेशन करते हैं, दिस इज द दिस पोर्शन बिलो दिस इज अंडर द अंडरग्राउंड। यहाँ तक हम एक्सकेवेशन करते हैं, इस साइड से लेकर इस साइड तक हम एक्सकेवेशन करते हैं, फिर हम ये कंक्रीट का ब्लॉक डालते हैं, फिर ये ब्रिक मशीनरी डालते हैं स्टेप्स के अंदर। स्प्रेड है इस की थिकनेस से, ये थिकनेस स्प्रेड है, इसे स्प्रेड फाउंडेशन बोलते हैं। ये एक अंडरग्राउंड होती है, इसको हम कैसे ड्रा करते हैं आपको हम इसके अंदर दिखाते हैं। माई डियर स्टूडेंट, बिल्डिंग कोई भी ड्राइंग है, ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। हर लाइन का मीनिंग है, वहां ड्राइंग की हर लाइन का मीनिंग है। दिस लाइन मीन्स सेपरेट, दिस लाइन मीनिंग सेपरेट। एवरी लाइन, एवरी सर्कल हैव सम मीनिंग, दिस इज द मीनिंग। ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ द इंजीनियर। इंजीनियर कैन अंडरस्टैंड वट इज दिस एंड वट इज दिस। आपको इसलिए ड्राइंग शुरू करने से पहले इसकी नॉलेज का, अपने लेवल तक की नॉलेज गेन जरूर करनी है। यस रवि, रूल ऑफ ए फाउंडेशन, थंब रूल के अकॉर्डिंग फाउंडेशन को कैसे ड्रा करते हैं। ये हमारी वॉल है, वॉल जो ऊपर को कंटिन्यू है, ये टी टी थिकनेस। उसके बाद जो नीचे जो आता है वॉल, उसकी जो उस वहाँ से हमारा प्लिंथ लेवल स्टार्ट हो जाता है, उसके नीचे लेवल आती है टी प्लस 100 किसका, ये 50 इधर 50 इधर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है टी प्लस 200 mm, तो दिस इज 200। एंड उसके बाद दो ये स्टेप आता है 2t, मींस इस टी की जितनी विड्थ है उससे डबल विड्थ ये होती है। उसका जो ब्लॉक बनता है हमारा सिंगल टी टी, जितनी थिकनेस है उतना ये हमारा बनता है। जो नीचे लेंथ विड्थ है इसकी ब्लॉक की वो 3t, इससे तीन टाइम एक्सेस। जो डेप्थ बनती है हमारी फ्रॉम दिस प्लेस टू अप टू द ग्राउंड लेवल वो 2, 3t, 3t तीन टाइम दिस। और जो यहाँ से डेप्थ बनती है 2t। उसके बाद जैसे मैं मॉडल के अंदर आपको बताता हूँ, दिस इज योर टी थिकनेस ऑफ द वॉल, दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकेंड कंक्रीट, ये आपका। इस ढंग से हम इसको ड्रा करते हैं। थिकनेस यहाँ पर मान लो ये थिकनेस आपकी 400 है, तो हमारा ये स्टेप 500 हो जाएगा, टी प्लस 100, ये आ जाएगा टी प्लस 200 600, ये टी प्लस 107 8, एंड इससे 1.10 mm। इस ढंग से हम इस ड्राइंग को स्केल के अकॉर्डिंगली ड्रा करते हैं। इसके काइंड्स हैं, जो स्टेप प्रोडक्शन के काइंड्स हैं, वॉल फुटिंग, री इन्फोर्समेंट कंक्रीट फुटिंग, इन्वर्टेड आर्चिस एंड कॉलम फुटिंग, दीज आर द काइंड्स ऑफ द स्टेप फुटिंग। ये इन्वर्ट आर्चिस फुटिंग है, ये पाइल फाउंडेशन है, ये सारी फाउंडेशन आपको इस तरह शीट को कैसे तो शीट को ड्राइंग डेस्क है, इसको चारों कॉर्नर को इसके पैरेलल लाना है, पैरेलल लगाकर इसको पेस्ट करना है इस टेप के साथ, ताकि इसकी पोजीशन डिस्टर्ब ना हो। इस तरफ इसका ड्राफ्टर लगाते हैं ताकि ये सीधा ड्राइंग फुटरोल होता है, पेंसिल्स होती हैं, रेजर्स हैं, इसकी हेल्प से हम इसको
तैयार करते हैं। पेंसिल, पेंसिल दो टाइप की होती हैं, हार्ड पेंसिल और सॉफ्ट पेंसिल। ये सॉफ्ट पेंसिल बी से आती हैं, हार्ड पेंसिल एच से आती हैं। जो इन बिटवीन जो पेंसिल होती हैं उसे एच बी पेंसिल कहते हैं। एच बी की हम पेंसिल को यूज़ करते हैं, स्केल को यूज़ करते हैं, इस पेंसिल शीट को तैयार करते हैं। और जिस यहाँ पर जिस अपना नाम लिखा जाता है, डिटेल दी जाती है, ड्राइंग दी जाती है, स्केल दी जाती है, इसी जो आप किसी और फर्स्ट स्टेप प्रोटेक्टर बनकर